हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो ये मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 3 बजे से। तो अभी हम मैं और प्रांशु सब लोग आ गए थे छत पे। यहाँ पे मेथी का पौधा, मतलब मेथी मेरे यहाँ लगाया हुआ था तो उसको सूख गया था, तो उसको पीट कर उसमें से दाने निकालने थे। तो अभी हम तीनों लोग आ गए थे छत पे। मम्मी है नहीं, मम्मी गई हैं मौसी के हाँ, तो सिर्फ हम ही 3 लोग हैं, मतलब हैं इनके दादा पापा हैं तो वो लोग बाहर गए हैं। तो ये पक चुका था और बादल भी छा गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले मैं निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ और काम करूँगी। तो देखिए, ये प्रांसी एक डंडा, मोटा सा डंडा लेकर आई है और उसे पीट रही है। बस इसका जितनी भी एनर्जी है 2 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी, ये छोड़ छाड़ कर भग जाएगी, फिर मुझे ही सारा काम करना होगा। तो देखिए, इधर मैं एक छोटी सी, इससे मैं कपड़े धोती हूँ, जो बहुत मोटे मोटे कंबल वगैरह होते हैं उसको मैं पीट पीट कर उसको इस, मतलब मेरे यहाँ तो इसको मुंगरी ही बोलते हैं, इससे पीट पीट कर उसको साफ़ करती हूँ। तो इसी से मैं पीट के इसमें से दाने भी निकाल रही हूँ। ये सूख गया है, देखने में एक बोझा बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसे पीटने के बाद ना ये एकदम थोड़ा सा बचा था और इसमें से दाने निकले थे, सिर्फ 1 या 1.5 किलो निकला होगा। तो ऐसे ही खेतों में होता है, बहुत सारे अनाज देखने में लगते हैं लेकिन उसको जब काटने पे बहुत थोड़ा ही निकलता है। तो हम लोग बहुत मेहनत से, ज़ोर शोर से, हम माँ बेटी इसको निपटा लेंगे। इनके पापा को पता है नहीं कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि नहीं हम लोग घर में बैठे हैं, मैं बाबू को खिला रही हूँ या फिर कोई काम कर रही हूँ, सिलाई वगैरह कर रही होंगी। तो ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही थी, आज मैं ये काम कर रही हूँ जो वो सोचे भी नहीं होंगे कि मैंने ये काम किया है। तो आज मैं, हम लोग इसको निपटा लेते हैं। और प्रांशु भी एक छोटी सी डंडी लेके वो हम लोगों को देखा और वैसे ही सेम करने लगा। तो हम तीनों लोग मिलके इसको निपटाए हैं। तो अभी पूरा ताकत लगा के इसको हम पीट लेते हैं। तो अभी इसमें से सारे दाने निकल चुके हैं, थोड़ा बहुत है तो भी मैं 2-4 डंडे लगा ही देती हूँ। और मैं थक गई थी इस मोटे से डंडे को उठाते उठाते, तो मैंने प्रांसी का ले लिया। हम लोग अदला बदली कर लिए थे और प्रांसी इस तरह से उसको कूच रही थी, जिसमें जितनी शक्ति थी जैसे हो सकता था वैसे पीटा। प्रांशु भी सेम वैसे ही प्रांसी की निकल कर रहा था। तो देखिए, अभी प्रांसी लगी बाबू को खिलाने और मैं ये सारा कचड़ा, इसमें से जो भी था उसके डेंटल वगैरह, वो सब मैंने छाट लिए हैं और इसमें से जितने दाने हैं उसको झाड़ कर मैं इस बोरी में भर दूंगी। दूध पकाने के टाइम आग जलाने के लिए काम आएगा, इसे मैं कुछ भी फेंकने वाली नहीं हूँ। और इसमें से जो भी इसकी पत्तियाँ बचेंगी वो मेरे यहाँ गाय हैं तो वो सब गाय खा जाएंगी। और प्रांशु देखिए यहाँ पे जा रहा है, प्रांशी को परेशान कर रहा है। मैं बार बार प्रांशु और प्रांशी दोनों को दूर दूर रहने के लिए बोल रही हूँ। ये दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा लड़ते हैं और परेशान करते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये जितने भी कबाड़ा है मैं इसमें भर लेती हूँ, इसके डंठल वगैरह, और फिर उसके बाद जो बचेगा पत्ती वगैरह उसको मैं फटक लूँगी सूप में लेकर, क्योंकि ऐसे तो वो निकलने वाला है नहीं। और इसमें एक ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगी कि इसमें 2-3 मिर्चियाँ थी रेड कलर, वो नहीं था, वो मैं देखी नहीं थी। मतलब पीटने के बाद जब मैं इसे फटक रही थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा झांक लग रहा था। तो पहले मैं इसको
तो अभी हम लोग इतना सारा काम करने के बाद थक चुके थे, प्यास भी लग गई थी, तो मैं आ गई थी प्रांशु के लिए। मैं दूध और गर्म पानी लेकर ही आई थी छत पे, तो दूध जलता हुआ था, तो इतनी टाइम में वो बस पीने लायक बचा है। मतलब ठंडा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो अभी मैंने प्रांशु को दूध पिलाया, ये ज़्यादा नहीं पिएगा, खुद से ही हमेशा जोर लगाता है कि नहीं मैं खुद से गिलास पकड़ के पीऊँगा। तो देखिए ये पकड़ लिया है, लेकिन ये पिएगा नहीं, मैं पिलाऊंगी तो भी नहीं पिएगा, खुद से भी नहीं पिएगा, फिर भग जाता है ये एक आध दो घूंट पीकर। तो अभी ये चला गया, ये नहीं पिया दूध, थोड़ा सा पानी पिया, फिर मैं भी अपने काम में लग गई। इसे फटक के इसमें से जितने सारे मेथी के दाने हैं सब निकाल लूँगी और इस बाल्टी में रख लेती हूँ, क्योंकि इसमें ले जाने में आराम रहेगा, इसलिए मैं इस बाल्टी को लेकर आई हूँ। और प्रांशी प्रांशु को अभी खिला रही है, दोनों लोग खेल रहे हैं और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो पहले मैं इसे फटक लेती हूँ, फिर इसके दाने दिखाती हूँ कितने सारे निकले हुए हैं। तो इसमें मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं इसे अच्छे से रख लेती हूँ और पूरा इसका दाना दिखाती हूँ कि इतने मेहनत के बाद मैंने इसमें से कितना दाना निकाला है। और इसको पौधे लगाने में और इसको पूरा उगने के टाइम से लेकर पूरा समझ लो 3 महीने लग गया है, और इतना काम करने के बाद ये दाना निकला है। तो किसान लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर जाके उनके यहाँ अनाज होता है, तो थोड़ा सा अनाज का रिस्पेक्ट किया करें और पैर से ना कुचलें। मेरे यहाँ कमेंट आता है कि क्रशिंग वीडियो बनाइए, ये करिए वो करिए, तो प्लीज़ मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है इनकी कीमत क्या होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने दाने निकाले, इसका काम अभी है। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।